आज शुक्रवार 20 अक्टूबर को बीदर के कर्नाटका आर्ट साइंस व कॉमर्स कॉलेज में इस कॉलेज को नैक में A+ रैंक प्राप्त होने पर एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटका आर्ट साइंस व कॉमर्स कॉलेज के प्रबंधन समिति के सभी पद अधिकारी व सदस्यों के अलावा सभी शिक्षकगण और मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों और पदाधिकारियों को फूल देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारी व मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया और इस कॉलेज को नैक में A+ रैंक प्राप्त होने पर सभी को बधाई दी। इस अवसर पर कर्नाटका कॉलेज के पदाधिकारी व दूसरों ने KP न्यूज से बात करते हुए समारोह में विस्तार से बात। KP न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज इस वक्त कर्नाटक कॉलेज हमारे ये डिग्री कॉलेज के लिए हमने A+ ग्रेड हमने नैक से लिया है, हमें मिला है। इसी खुशी में आज हम एक प्रेस मीट भी बुलाए हैं और आज एक अभिनंदन समारंभ भी हम आज इस कार्यक्रम में हम शामिल है। इस वक्त मैं यही कहना चाहता हूँ, ये नैक A+ ग्रेड मिलने के खुशी में हमारे इसके लिए जो प्रयत्न किए हैं, इसके लिए जो सहकार किए हैं हमारे प्राध्यापक मित्र लोग और हमारे मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स एंड ऑल वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रस्ट प्रेसिडेंट, ये सभी लोग हमारे साथ में इनका सहकार मिला है और हमारे तमाम डायरेक्टर्स लोगों का भी सहकार मिला है। इसी इसमें मैं अभी यही चाहता हूँ आप सभी लोगों को मैं और एक बार में तहे दिल से अभिनंदन और कृतज्ञता देना चाहता हूँ। और ये जो एक A+ ग्रेड जो मिला है ये बहुत ही बड़ी बहुत बड़ी बात है। बीदर जिले में या कलबुर्ग या कल्याण कर्नाटक में हमारा एक ही एक कॉलेज है। इस खुशी को हम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के आगे आने वाले दिन में A++ करने के लिए मैं सभी हमारे प्राध्यापक मित्रों को मैं उत्साहित कर रहा हूँ और उनको विनंती कर रहा हूँ ये आगे चल के इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके इसको और बढ़ा के, जैसे कि मुलीमणि प्रोफेसर BG मुलीमणि साहब हमारे जो इस कमेटी के जो एजुकेशन इसका जो एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन है हमारे संस्था के, उनका जो बहुत क्या है सहाय और सहकार मिला, उन्हीं का सहकार की वजह से आज हमें A+ ग्रेड मिला है। मैं ये बड़ी फख्र के साथ मैं कहता हूँ और उनको मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ इस मौके के ऊपर। और तमाम लोग जो मीडिया के लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम में आए हैं उन लोगों को भी क्या है मैं अभिनंदन करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। ज्ञान की परिधि बढ़ती जा रही है, नए नए कोर्सेज की ज़रूरत है। हमारा ये कॉलेज आने वाले दिनों में नए नए कोर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो कुछ भी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और रिसर्च के ऊपर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उससे ये कॉलेज का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत सारे MOU हम करने जा रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये A+ होने के बाद बहुत नैरोली हम A++ मिस किए हैं। हमारा कॉलेज अब बहुत स्टैंडर्ड कॉलेज है, अब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ इंडिया अब्रॉड में हम MOU करके रिसर्च को बढ़ावा देंगे और नए नए कोर्स जो आ रहे हैं आगे दिनों में उनका इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। इससे ये भाग का अभिवृद्धि हर डायरेक्शन में होगा, इसकी मैं बहुत मुझे भरोसा है हम बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और एक क्या हो रहा है आजकल बहुत इंस्टीट्यूशंस में ये वैल्यूज़ कहते हैं ना, मौल्य कहते हैं कन्नड़ा में वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ की प्रॉब्लम है, हमारे कॉलेज में वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। खाली पास किए एग्ज़ाम वो हो नहीं, उस पढ़ाई के साथ साथ मौल्य का बहुत यहाँ इम्पोर्टेंस बाय प्रैक्टिस टीचर्स करते हैं, इसलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। ये कॉलेज के लिए बहुत फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू।